दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में धूम मचा रखी है। टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं गवाया है। टीम ने पहले सुपर 8 में धमाकेदार अंदाज में एंट्री की और लगातार दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय टीम ने सुपर 8 में पहले अफगानिस्तान को हराई, इसके बाद बांग्लादेश को 50 रनों से हराया। अब इस स्टेज में भारतीय टीम को अपना आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। यह मैच 24 जून को ग्रेस आइलैंड में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी टीम को अपना आखिरी मुकाबला जीतना जरूरी होगा। रोहित ब्रिगेड को आखिरी मैच में यह जीत फाइनल में अपनी जगह कुछ हद तक पक्की करने के लिए होगी। फैंस यहाँ कंफ्यूज होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में जीत और फाइनल का क्या कनेक्शन है। ऐसे में हम आपको बता दें कि भारतीय टीम अपना आखिरी मैच जीत लेती है तो वो अपने ग्रुप में टॉप पर होकर सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और साथ में भारतीय टीम को अपना फाइनल मुकाबला 27 जून को ये घाना में खेलना है, जहां उस दिन बारिश की काफी ज्यादा आशंका है। ऐसे में भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला बारिश के कारण धुल सकता है। यदि ऐसा होता है तो अपने ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम को फायदा पहुंचेगा और वो सीधा फाइनल में एंट्री करेगी। इस वर्ल्ड कप में एक और सस्पेंस है, वो ये है कि दूसरे सेमीफाइनल के लिए आईसीसी ने कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा है, जबकि पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। यदि दूसरे सेमीफाइनल में बारिश आती है तो उस मुकाबले के लिए रिजर्व डे के बजाय 4 घंटे 10 मिनट का अतिरिक्त समय निर्धारित किया है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट ज्यादा मिलेगा उसको, ताकि उस मैच को उसी दिन खत्म किया जा सके। मगर यहाँ दिक्कत ये है कि यदि बारिश नहीं रुकती है तो मुकाबला रद्द ही करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में नियम अनुसार अपने टॉप पर रहने वाली टीम को ही फायदा मिलेगा। यदि भारतीय टीम अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो उसे बारिश के कारण मैच रद्द होने की बात से डरने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि भारतीय टीम यदि अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचती है तो वहां उसकी टक्कर ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगी। दूसरे ग्रुप से अभी 3 टीमें सेमीफाइनल की रेस में है, उसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज है। अमेरिका इस दौर से बाहर हो चुकी है और इस वर्ल्ड कप में 3 टीम का लगभग पत्ता साफ हो चुका है। उनका सफर वर्ल्ड कप में लगभग समाप्त हो चुका है और वो 3 टीमें ये है, ग्रुप 1 से अफगानिस्तान और बांग्लादेश लगभग बाहर हो चुकी है, ग्रुप 2 से अमेरिका बाहर हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।